नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 7.2 हम करने जा रहे हैं। इसका जो सबसे पहला भाग है वह है विभाजन सूत्र। बच्चों, पिछले वीडियोस में आपने दूरी सूत्र के बारे में जाना। इस प्रश्नावली में हम विभाजन सूत्र का अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले विभाजन सूत्र होता क्या है। मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी। ए के निर्देशांक हैं x1, y1 और बी के निर्देशांक हैं x2, y2। मान लीजिए ए और बी रेखाखंड ए बी पर कहीं पर भी एक बिंदु है पी, कहीं पर भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पर भी, और इस पी के निर्देशांक हैं x, y। तो बच्चों, पी जो है बिंदु जिसके निर्देशांक हैं x, y, यह किसके बराबर होगा? यह होगा, मान लीजिए यह पी बिंदु ए पी और पी बी को m1 और m2 अनुपात में बांटता है, यानी ये m1 है और ये m2 है, इस अनुपात में बांटता है। तो जो P के निर्देशांक हैं x और y, इसमें से x के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। देखो बच्चों, हमने क्या किया, m1 को उधर वाले x2 निर्देशांक के साथ गुना किया यहाँ पर, प्लस m2 को इधर वाले निर्देशांक के साथ। देखिए, m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1, इनको आपस में गुना किया बटा m1 प्लस m2 जो अनुपात हमें दिए थे उनका प्लस, ये होंगे x के निर्देशांक। इसी प्रकार से यदि y के निर्देशांक निकालने हो तो m1 इंटू y2, y के निर्देशांक के लिए y को गुना करेंगे, x के निर्देशांक के लिए x को गुना करेंगे, तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। देखिए, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से हमारे पास x और y जो कि इस बिंदु P के निर्देशांक हैं, उनके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे। आइए हम एक बार फिर से इस सूत्र को लिखकर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बेटा x के निर्देशांक सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। हमने क्या कहा, जो अनुपात दिया है, अनुपात मतलब रेशियो ना, एपी रेशियो एबी, एपी अनुपात एबी पीबी जो है वो m1 रेशियो m2 है। तो m1 अभी x के निर्देशांक लिख रहा हूं, तो m1 को x2 से गुना करेंगे, एक वाले को दो से, दो वाले को एक से, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1 बटा, नीचे दोनों को प्लस कर देना है, m1 दोनों अनुपातों को प्लस कर देना है, m1 प्लस m2 को। इसी प्रकार से जब y के निर्देशांक निकालने हैं तो m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा, नीचे m1 और m2 दोनों प्लस हो जाएंगे। इस प्रकार से आप एक बार फिर से देखेगा कि दो बिंदु थे A और B, A के निर्देशांक है x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2। यदि बीच में कहीं पर भी, कहीं पर भी कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, तो इन निर्देशांकों को निकालने का हमारे पास ये सूत्र है। यदि ये m1 रेशो m2 में अनुपात इनका बन रहा हो तो m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा
वाई के निर्देशांक होंगे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटा एम वन प्लस एम टू। इसे ही हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र। आप 7.2 में इसी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ ये विभाजन सूत्र आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर बाकी वीडियोस को देखकर समझिए। धन्यवाद।